शिप कैसा है? राइजोबियम बैक्टीरिया का शेप कैसा है? हाँ तो कैसा हुआ? और रूट नोड्यूल में क्या कहलाता है? बैक्टीरियोइड कहलाता है। और वहां फिर डिवाइड होता है और ग्रोथ करता है। ऑक्सीजन स्केवेंजर क्या है? एमाइड में कितने नाइट्रोजन है? एमाइड में कितने नाइट्रोजन है? एक ही होता। अच्छा किया, पढ़ के देखो, एक से ज्यादा। तुम बोलती क्यों नहीं हो? मारना पड़ेगा। अच्छा सर, हम इकट्ठे मारेंगे 5 साल। कितने हैं? हाँ देखो ना किताब। कितने लिखे हैं? एमिनो एसिड में कितने हैं? एक। एमाइड में दो तो हैं। एनएच ग्रुप एक और लग जाता ना। दो एमाइड के नाम बताओ। ठीक, सोयाबीन में नाइट्रोजन कैसे ट्रांसफिक्स होता है? सोयाबीन एक्सपोर्ट द फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूरेट्स। ठीक है, किसने कहा था प्लांट एयर को प्योरीफाई करते हैं? किसने कहा था लाइट की प्रेजेंस में करते हैं? किसने कहा था कि ग्रोथ होती है जब सुक्रोज बनता है? किसने लिया था क्लेडोफोरा का प्लांट एक्सपेरिमेंट के लिए? किसने कहा था कि ऑक्सीजन वाटर से इवॉल्व होती है? कॉर्नेलियस। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में इवॉल्व होती है वो किससे आती है? कैसे प्रूव किया गया था? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कितने वाटर रिएक्ट करते हैं? 12। कितने कार्बन डाइऑक्साइड? 6। कितने वाटर बनते हैं? 6। कितने ग्लूकोज बनते हैं? 1। कितने ऑक्सीजन इवॉल्व होते हैं? 6। लाइट रिएक्शन किस में होती है? डार्क रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट? लाइट इंडिपेंडेंट। दिन में कौन होती है? लाइट के बंद कर देने पे कौन पहले बंद होता है? लाइट रिएक्शन। बाद में कौन बंद हो जाता है? लाइट रिएक्शन। क्लोरोफिल ए का कलर क्या है? ब्लू ग्रीन। बी का कलर क्या है? येलो ग्रीन। ज़ेंथोफिल का? येलो। कैटेनॉइड का? येलो। किस लाइट में बेस्ट फोटोसिंथेसिस होती है? ब्लू एंड रेड। एसेसरी पिगमेंट वाइड रेंज ऑफ लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। रिएक्शन सेंटर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। कितने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं? दो। पहले कौन सा खोजा गया? फंक्शन किसका है पहले? रिएक्शन सेंटर या सेकंड का क्या है? फर्स्ट का क्या है? अच्छा, फियोफाइटिन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जेड स्कीम में सबसे पहले अप है कि डाउन? फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। लास्ट के डाउन पे क्या बनेगा? एनएडीएच। सेकंड डाउन में बीच में क्या आता है?
साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। वाटर की स्प्लिटिंग को क्या कहते हैं? फोटोलिसिस। कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है? मैंगनीज और क्लोरीन। फास्फोराइलेशन को कौन सी हाइपोथेसिस बताती है? जब बेटा ग्रैंथाइलेकॉइड में एटीपी बनते हैं तो ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं कम होते हैं? ज्यादा होते हैं। बाहर कैसे होते हैं? कम होते हैं। प्रोटॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? अंदर से बाहर। CF0 CF1 में किस में एंजाइम होता है? CF1 में। इंटीग्रल पार्ट कौन सा है? प्रोजेक्टेड पार्ट कौन सा है? किधर की ओर प्रोजेक्टेड है? स्टोमा की ओर प्रोजेक्टेड होता है। ठीक है। बायोसिंथेटिक फेज कौन सी होती है? डाइजेशन कहाँ पर होती है? स्टोमा में। किसने सबसे पहले पाथ खोजा था? कैल्विन में। कार्बन पाथ किसने सबसे पहले खोजा था? क्या लेकर खोजा था? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कार्बन डाइऑक्साइड का, C14 या C12। किस प्लांट में यूज किया था? तुमको पता ही तुम्हें मालूम है, एलगी है। हाँ, क्लोरेला। क्लोरेला एक और सेंट डेसमस। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना था? कितने कार्बन थे? दूसरे साइंटिस्ट ने पहला प्रोडक्ट क्या पाया? कितने कार्बन थे? अब कितने पाथ हो गए? मुख्य रूप से ग्लूकोज किस पाथ से बनता है? पाथ किन प्लांट्स में होती है? C3 पाथवे ऑल प्लांट में। बोला था इसको इकट्ठे इसे 10 बार के साथ बैठ तो बोल भी नहीं जाता तो। C3 कहाँ होती बेटा? सभी सॉर्गम कैसा प्लांट है? सॉर्गम। मेज कैसा प्लांट है? डी कार्बोक्सिलेशन किस में होता है? किस सेल में होता है? डी कार्बोक्सिलेशन इसमें होगा। कार्बोक्सिलेशन दोनों में होता है। हाँ। ठीक है। हाँ, हमें मालूम ना, आप लोग सोचते क्या हो, उससे आगे की बात हम बोलते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन C4 साइकिल में है लेकिन बंडल शीथ सेल में। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट पीपी और सेकेंडरी RUBP पिरुविस्को तो एंजाइम है। चलो मौका तो मिलता है, कभी कभी बोलती हो है RUBP। हमें कितना कष्ट होता है इतनी दूर जाने में मारने में, समझो मेरे कष्ट को समझो। ठीक है, ये बताओ केल्विन साइकिल में कितनी स्टेजेस हैं? पहली कार्बोक्सिलेशन, दूसरी डीजनरेशन, तीसरी डीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में कितने एटीपी खर्च हुए? दो। नहीं, कार्बोक्सिलेशन में नहीं होते हैं। सीरीज ऑफ प्रोसेस कौन सी है? रिडक्शन।
कार्बोक्सिलेशन केवल एक स्टेप है बस, आर यू बी पी सी ओ टू वाटर और पीजीए का बनना बस। ओके क्या हाँ, उसके बाद रिडक्शन में ग्लूकोज बनने तक है, पीजीए से ग्लूकोज बनने तक रिडक्शन है। अब रिडक्शन में कितने एटीपी खर्च हैं, एक सी ओ टू के लिए दो, रीजनरेशन में एक बात हम और आपको बता दें, कार्बोक्सिलेशन में आपको 5 कार्बन का मॉलिक्यूल भी मिला, रही भी थी 3 का भी मिला बस। रिडक्शन में आपने 3 कार्बन से शुरू किया, फिर 6 कार्बन बना, फिर 6 तक है, 3 और 6। इन रीजनरेशन में आपको 3 से शुरू किया, 3 PGL के 10 मोल से शुरू होकर 5 कार्बन के 6 मोल RBP बने, सही है कि नहीं है? बोलो। इन रास्ते में बेटा 5 कार्बन भी मिले, 4 कार्बन वाले भी मिले, 3 वाले भी मिले, 7 वाले भी मिले। रीजनरेशन प्रोसेस में आपको 3 कार्बन से शुरू करो, आगे चलकर आपको 5 भी मिलेंगे, 5 तो बनता ही है, 3 से शुरू किया 5 बनता है, रास्ते में आपको 4 और 7 भी मिलेंगे। बोलो, रीजनरेशन किससे शुरू किया, 3 कार्बन, 3 PGL के 10 मोल से, और प्रोडक्ट 5 कार्बन वाला RBP, तो 3 और 5 तो हो गया, बीच में 2 और बनते हैं, 4 कार्बन वाले जाइलुलोज और 7 वाले हेप्टुलोज, सीडो हेप्टुलोज जो बायोमार्क में पता, 7 कार्बन कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। तो रीजनरेशन में 3 कार्बन, 4 कार्बन, 7 कार्बन, 5 कार्बन दिया नहीं जाएगा, लेकिन ये ऐसा है। कार्बोक्सिलेशन में 5 से शुरू 3 बना, रिडक्शन में 3 से शुरू 6 बना, रिजनरेशन में 3 से शुरू 4 भी इंटरमीडिएट है, 7 इंटरमीडिएट है और 5 3, 4, 7 ऐसा है, ठीक है। चलिए, मन तो है ही सब कुछ, स्टेप पता ही है आपको सारे, CO2 वाली बातें मालूम ही है हमें, कितनी कितनी कहाँ बनेंगे, और क्रांज टाइप एनाटॉमी किसमें होती है, ठीक है। अब एक C4 पाथवे में बेटा कुल कितने ATP खर्च होते हैं ग्लूकोज के बनने के लिए, 5 एक CO2 के लिए बेटा, और एक ग्लूकोज के लिए 30 हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, एक ग्लूकोज के लिए 30 हो जाएंगे, C4 पाथवे में एक CO2 के लिए 5 है, एक ग्लूकोज के लिए 30 हो जाएंगे, और C3 में 18 है और 12 ज्यादा हो गए, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा पॉइंट है, रेशियो याद करना, रेशियो भी लिखा होते हैं हमने, उस टेबल में जाकर रेशियो जे लिखना, रेशियो कैसे बता रहे, रेशियो ऐसे लिखना है ना, CO2 6 का और Na DPH 12, ATP बोलो 12 30, इसका रेशियो 1 2 3, 1 2 5, ये नोट कर लेते हैं, हमने यहाँ लिख दिया, अब नीचे लिखना, ठीक, C3 वाला बगल में जैसा भी समझना लिख लेना, क्योंकि बेटा ये समझ लो कि जितना लिखा रहेगा नोट्स में क्वेश्चन है ना, दिमाग नहीं लगाना है आपको, कहीं भी नहीं लगाना है, कॉपी जितनी रंगी होगी उतना ही बार बार पढ़ोगे और वही तुरंत आंसर लगा दोगे, आपको समय बचाना है बायोलॉजी के पेपर में, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ये नियम है।
फोटो डिस्पर्शन में कितने ऑर्गेनेल होते हैं बेटा? पहला वाला, दूसरा, तीसरा, कंपनसेशन पॉइंट दिन में कितनी बार? दो बार। जब रिस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के बराबर हो, CO2 का निकलना O2 का यूज होना बराबर हो, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किस ईयर में आया? 1905। इंटरनल फैक्टर CO2 है कि नहीं है? है। लाइट इंटरनल है कि नहीं है? नहीं। रेयरली लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए? लाइट के लिए। और मेजर लिमिटिंग फैक्टर? CO2 है। लिमिटिंग फैक्टर किसे नहीं कहा गया है? वाटर को। ठीक है, अब इतना रखें, सब भी बताएं, कल सर्कुलेशन का पूरा देखिए। आज दो बार हो गया, ये समझ लो चार बार होना चाहिए चैप्टर, बड़े तो हैं। कल बताया था ज़्यादा, आज थोड़ा सा कम किया है ना, पढ़ा देते हैं इसको हम लोग, आज ही ख़त्म कर देते हैं। आइए, ये बता दिया था हार्ट चैम्बर वगैरह, चैम्बर ही बताया थे, इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, ठीक। पहला बेटा फिगर के बेसिस पे जाओ, आपने जैसे मान लिया रिवीजन शुरू किया तो आपने क्या कहा? थोरसिक कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, थोरसिक कैविटी में दो प्लूरल कैविटी होती हैं, उन दोनों के बीच एक स्पेस होता है, मीडियास्टिनम स्पेस कहते हैं, उसमें लेफ्ट साइड में हार्ट उपस्थित होता है, हार्ट बंद मुट्ठी के साइज के बराबर होता है, इसका वेट मेल में ज़्यादा फीमेल में थोड़ा कम रहता है, वेट की जब बात करें हार्ट की, ठीक। हार्ट पेरिकार्डियम में सुरक्षित होता है, पेरिकार्डियम में दो लेयर होती हैं, बाहर की पैराइटल, अंदर की विस्टरल, हार्ट की वाल में चार लेयर होती हैं, बाहर की एपिकार्डियम, बीच की मायोकार्डियम, अंदर की एंडोकार्डियम, जो एपिकार्डियम है वही विस्टरल विस्टरल भी है, इस प्रकार से टोटल चार लेयर ही होंगी कंसीडर करते हैं तब, बाकी सब चीज़ें हैं। हार्ट की वाल में आते हैं तो एट्रिया की वाल पतली होती हैं, वेंट्रिकल की वाल मोटी होती है, क्योंकि एट्रिया ब्लड को लेता है, वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है। एट्रिया की दीवाल पतली होती है, वेंट्रिकल की मसल्स ज़्यादा मोटी होती हैं, वाल ज़्यादा, दोनों एट्रिया के बीच सेप्टा होता है, इंटर आर्टिकुलर सेप्टम कहते हैं, जिसमें एक छेद होता है जिसको फोरामेन ओवेलिस कहते हैं, जो बंद हो जाता तब फोसा ओवेलिस कहते हैं, दोनों वेंट्रिकल के बीच एक सेप्टा होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। अब लेफ्ट की ओर और राइट की ओर दो एट्रिया और वेंट्रिकल अपनी अपनी ओर ओपन होते हैं, हम कह सकते हैं राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में खुलता है, तो वहां पर एक सेप्टा होता है जिसे इंटर आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा, राइट आर्टिकुलर सेप्टा में पोर होता है, राइट आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर में वाल होता है, ट्राइकस्पिड वाल, लेफ्ट में एक छेद होता है, लेफ्ट में छेद होता है, लेफ्ट आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर जिसमें छेद वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ तक डिस्कस किया। अब इन वाल्व को, ये जो वाल्व बने ना, इन वाल्व को अपनी जगह पर बनाए रखने का काम करते हैं कार्डी टेंडनी। फिगर में देखो नीचे वाले में, हम ये देखो राइट आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा, देखो फिर राइट आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर, फिर राइट आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर वाल स्ट्राइकस, ऐसे ही लेफ्ट में, ये है बेटा, इसका नाम है ये कॉर्डी टेंडनी, ये वेंट्रिकल की वाल से और वाल्व से लगे होते हैं, वाल्व ऊपर से नीचे ब्लड आने तो देते हैं, नीचे से ऊपर जाएगा जब ब्लड तब ये बंद हो जाता है, और कहीं पलट ना जाए
उनको ये रोकता है कॉर्डी टनल, तो कॉर्डी टनलिंग और एट्रिया में है कि वेंट्रिकल में, और किससे किसको जोड़ते हैं, वाल्व को वेंट्रिकल की वाल से जोड़ते हैं, वाल्व को वेंट्रिकल की वाल से जोड़ते हैं जिससे वाल्व पलट ना जाए। दो मतलब सभी वाल्व से लगे हैं, मतलब पांचों से लगे हैं, आपको दिखेंगे तो ही पांचों से लगे हैं जितने भी दिखे। क्लियर हो गई बात? चलो तो यहाँ तक खत्म भी हो गया है, और मैं चाहता हूँ इस फिगर को भी आपको समझा दो पूरा एक तरफ से जितनी भी चीजें दिख रही हैं। ये बेटा दिख रहा है, देखो क्या है, राइट एट्रियम, ठीक, ध्यान से देखिए आराम से। राइट एट्रियम में काफी चीजें हैं, और ये दिख रहा है हमें, बोलो लेफ्ट एट्रियम, वो छोटा सा दिख रहा है, लेफ्ट एट्रियम छोटा नहीं है, फिर भी छोटा है, क्यों, थोड़ा सा तिरछा होता है, ऐसे होता है यो, ये छोटा होता है, ये बड़ा है, तिरछा होता सबटा, ठीक। आओ अब हम अगर एक चीज को कंसीडर करें, हम यहां शुरू करें, बिल्कुल यहां शुरू करेंगे हम लोग, लेफ्ट एट्रिया लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं, इनका नाम है पल्मोनरी वेन, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती, मिल गया, लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट आर्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा पर, लेफ्ट आर्कुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर पर, लेफ्ट आर्कुलर वेंट्रल वाल्व पर बाइकस्पिड वाल्व होता ही बने सफेद शब्द बने, इन वाल्व को कॉर्डी टनी जोड़ती, वाल्व को वाल ऑफ वेंट्रिकल से, एनी डाउट, जब ब्लड यहाँ आ जाता है तो यहाँ से ब्लड इसमें आता है, ठीक, और जब इसमें ब्लड आता है इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें कुल ब्लड का अमाउंट 120 ml हो जाता है, और इसमें कितना ब्लड आ सकता है, 120 ml आ गया, करेक्ट। ये तो ये सिस्टम था, अब यहाँ वाला सुनो, इसको राइट एट्रियम कहते हैं, राइट एट्रियम में तीन जगह से ब्लड आता है, यहाँ एक जगह से, तीन जगह से, कहाँ कहाँ से, एंटीरियर वेना केवा यानी आगे से आता है, ये पोस्टीरियर वेना केवा नीचे से, और हार्ट की दीवाल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, भाई हार्ट की मसल्स में जब देखो हार्ट में ब्लड भरा है, लेकिन हार्ट की मसल्स को ब्लड कोई और देता है, तो हार्ट में ब्लड भरा है तो हार्ट की मसल उसका यूज थोड़ी करती है, हार्ट की मसल को कोई और देता है, जैसे कि भंडारे में जो बैठा है वो दूसरों को खाना तो देता है, भंडारे में आखिर में ब्लड है कि दूसरों को तो दे देगा, लेकिन खुद थोड़ी खाएगा ब्लड, तो खुद किसी और से देगा, तो कोरोनरी आर्टरी हार्ट की वाल को ब्लड देती है, तो हार्ट की वाल में जब वो यूज हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हार्ट की वाल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाती है, वो कलेक्ट होकर इसमें खुलता है। हम एक अलग से फिगर बना दें थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि बात आई है तो बोल देंगे, है ना, मिटाल देंगे भी, ठीक ये है, यहां से एक निकलती है, इसको कहते हैं सिस्टमिक आर्च, और ये है इसकी ब्रांच, सबसे पहली ब्रांच, इसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, ये हार्ट की दीवार को ब्लड दे देती है, बाकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें पूरी बॉडी को देना है, चलो ठीक है, ये घूम करके आ गई, ये आगे चली गई, ये पूरी बॉडी को ब्लड दे रही, इन सबसे पहले बोलो कोरोनरी
आरटी राइट और लेफ्ट हार्ट की दीवार को बंद करता है, इसे कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। ये क्या कहते हैं? कोरोनरी। फिर से सुनना, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड सिस्टमिक आर्च के द्वारा पूरी बॉडी को पहुंचाया जाता है, उस बॉडी में हार्ट की दीवार भी शामिल है। क्लियर हो गई बात? जब हार्ट में कैसा ब्लड जाएगा इनके द्वारा, ऑक्सीजनेटेड, तो हार्ट की मसल में क्या यूज होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और वो डीऑक्सीजन ब्लड इसमें आकर खुल जाएगा। तो राइट एट्रिया रिसीव्स कोरोनरी साइनस फ्रॉम हार्ट वॉल। तो इस चैम्बर में कितनी जगह से डीऑक्सीजन ब्लड आ रहा है? तीन। कितनी ओपनिंग्स हैं? तीन। एक एंटीरियर वेना केवा, एक पोस्टीरियर वेना केवा, एक कोरोनरी साइनस की ओपनिंग। तो एक छोटा सा सर्कुलेशन है कोरोनरी सर्कुलेशन, जो केवल हार्ट की एओर्टा से निकल करके, आर्च से निकलकर हार्ट की वाल को पहुंचाकर सीधे वहीं आ जाए। बड़ा भ्रमण नहीं करना पड़ा। जैसे इस घर से 10 लोग निकले, कुछ लोग दूर चले गए बाजार करने, और कुछ लोग वहीं मोहल्ले में करके चले आए। तो कोरोनरी साइनस कैसे हैं? मोहल्ले वाला, अपनी ही दीवार, अपनी कॉलोनी में निपटाया हो गया, है ना। जनरल का नहीं जाना तुमको कि वहाँ से जाओ, वहाँ से सामान लेकर आओ। यस। तो कोरोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कई प्रकार का है, आर्टेरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम, हिपेटिक सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, आर्टरियोवेनस सिस्टम, वैसोमोशन, तमाम से हैं, नौ प्रकार के। उसमें कोरोनरी सर्कुलेशन भी होते हैं, हर एक का अलग अलग काम है, वो सब बताएंगे, नौ के नौ बताएंगे। दिए हैं यहाँ पर, वही तो समस्या है, लेकिन एक साथ कुछ नहीं मिलता। ये क्लियर हो गई बात? इसे मिटाल देते हैं, आराम से पढ़ना, एक बार पढ़ लो, आजीवन के लिए अमर हो जाए, बस। कठिन नहीं है कुछ भी, टाइम लगता है, लगने दो, सब याद हो जाएगा। तो बोलो बेटा, इस चैम्बर में, इस चैम्बर का क्या नाम है पहले बताओ? राइट एट्रियम। कैसा ब्लड रिसीव करता है? कितनी जगह से? डन हो गया। अच्छा, इसका ब्लड इसमें आएगा, तो यहाँ पर भी वही कहानी होगी। बोलो क्या क्या? राइट आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट आर्टिकुलर विंडो अपर्चर, राइट आर्टिकुलर विंडो वाल्व मींस ट्राइकस्पिड वाल्व, कॉर्डी टेंडी जोड़े होंगी, इनका डीऑक्सीजन ब्लड इसमें आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड, इसमें भी 120 ml भर गया, इसमें भी भर गया। इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, पूरा फूल चुका है वेंट्रिकल, कहता बस अब इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना ब्लड आ चुका होता है? 120 ml इधर, 120 ml इधर। अब शुरू होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कॉन्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल। यस, जैसे शुरू होगा, ध्यान सुनना, वैसे ये वाल्व बंद हो जाएंगे। क्यों? ताकि इन एट्रिया में वापस ब्लड ना जाए। वाल्व बंद होते ही पहली प्यार मोहब्बत की आवाज आएगी, फर्स्ट हार्ट साउंड लव, एल ओ वी वाला नहीं यार, हाँ एल यू, दो बार बकरी, बी फॉर बोट वाला लव है। तो सुनो, जैसे कॉन्ट्रक्शन शुरू होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रक्शन शुरू होगा बेटा, वैसे ही ये वाल्व बंद हो जाएंगे, दोनों एट्रिया में ब्लड नहीं जाएगा, करेक्ट, और फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी।
अब सुनिए, दो चीजें से और निकलती हैं वेंट्रिकल से, एक का नाम ये है पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, दिख रही है, डीऑक्सीरेबल ब्लड जा रही है, कहां पर? टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। इस ब्लड में बताओ बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना? 45। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 और CO2 का 45, ठीक। और कितना ब्लड निकल के जा रहा है? 70 ml, क्लियर। और यहां से निकल कर जा रहा है किसको? ये दिख नहीं रहा, छे नहीं दिख रहा, लेकिन ये आ रहा है, नाम है एओर्टा। किसी के समझ में आया? फिर हम अलग बनाए तो दिखेगा, देखकर इसे भी दिखना चाहिए, किताब में यही बोला जाएगा, आपके एग्जाम में यही आएगा, हमारा फिगर थोड़ी है, हम तो समझा रहे हैं। नाम बोलो, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रक्शन से 70 ml ब्लड एओर्टा को आएगा जो ऑक्सीजनेटेड है, कहाँ जाएगा? डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग वॉल ऑफ हार्ट, यस। तो कितना ब्लड निकला एक बार में? 70। कितना था? 20। बचा कितना? 50। कहेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। वेंट्रिकल कभी खाली नहीं होता, सिस्टोलिक वॉल्यूम होगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था? 120। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50। एंड डायस्टोलिक कितना था? एंड डायस्टोलिक बेटा 120। एंड सिस्टोलिक 50। एंड डायस्टोलिक 120। एंड सिस्टोलिक 50। सिस्टोल माने कॉन्ट्रक्शन के बाद, डायस्टोल माने फैलने के बाद। एंड डायस्टोलिक 120। एंड सिस्टोलिक 50। एंड डायस्टोलिक 120। एंड सिस्टोलिक 50। निकल गया स्ट्रोक वाली 70 ml बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कुल कितने वॉल्यूम पढ़े आपने? 3 एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक, जो निकल गया स्ट्रोक। स्ट्रोक वॉल्यूम में कितना ब्लड गया? कितना गया? 70 ml ब्लड गया लंग्स को फॉर ऑक्सीजनेशन, 70 ml ब्लड गया बॉडी को ऑक्सीजनेटेड। दो वॉल्यूम समझ में आ गए। और एक पॉइंट सुनना, यहाँ ब्लड आया था, यहाँ ब्लड आया, इनसे यहाँ आया, इनसे यहाँ आया, 120 हो गया, कांटेक्ट हुए, बाहर 70 निकला। उस दौरान दो घटनाएं हो रही थी, दो वाल्व काम कर रहे थे, ये दोनों वाल्व बंद हो गए थे और इनके वाल्व खुल गए थे। इनका मतलब एओर्टा पर नीचे वाल्व और बेटा पल्मोनरी आरटी पर वाल्व, ये वाल्व पिलर बना है, इसे सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। तो बेटा इसके कॉन्ट्रक्शन पर, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रक्शन, कौन से वाल्व बंद हुए थे? बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स। उसके बाद कौन से खुले? सेमी ल्यूनर वाल्व। ये कौन याद करके बताएगा? अंजलि। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रक्शन के शुरुआत में बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं, उसके बाद सेमी ल्यूनर वाल्व ऑफ आर्चेस खुल जाते हैं, जिससे ब्लड एट्रिया में वापस नहीं जाता बल्कि आर्चेस में जाता है। अब हो जाएगा क्या? एंड सिस्टोलिक हो गया ना, तो एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। वेंट्रिकल के सिस्टोल में लगता है समय 0.3 सेकेंड का, अब एंड डायस्टोलिक है बेटा 0.5, 0.3, 0.5, 0.3, 0.5, 0.3, कितना समय लगा? 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक कार्डियक साइकिल में, जिसे वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम 0.3, वेंट्रिकल डायस्टोल का टाइम 0.5 होता है। ये साथ में बताया जाता है, स्ट्रक्चर के साथ साथ बताया।
ये कार्डियक साइकिल का पार्ट है। तो हम लोग कहाँ पर थे बेटा? लेफ्ट एट्रियम, अपर्चर, वाल्व, कॉर्डिटेनम, लेफ्ट वेंट्रिकल, करेक्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल्व मोटी है, ठीक। ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी आरिकुलर से मोटा है। हार्ट के निचले भाग को एपेक्स कहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन यहाँ से शुरू होता है। इसलिए ऊपर को बेस, नीचे को एपेक्स। ये नैरो होता है, ये ब्रॉड होता है। डन। नीचे आओ, इधर आओ। वेना केवा समझ में आ गया? आगे से ब्लड ला रहा है डिऑक्सीजनेटेड। हाँ, ये समझ में आ गया? कॉर्डिटेन ने लिखी बता दिया, राइट वेंट्रिकल डिऑक्सीजन ब्लड पोस्ट किया। अब कुछ चीज दिख रही है, एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड और एवी नोड हार्ट के इनिशिएशन के लिए, ठीक। वो भी किस में पाए जाएंगे? राइट एट्रियम। उनका फंक्शन पार्ट अभी बताएंगे हम लोग। ये फिगर क्लियर हो गया? अब हम लोग चाहेंगे जो जो बताया उसको मैं किताब से रीड कर दूँ, फिर आगे बढ़ूँ। ह्यूमन में कुछ भी नहीं बोला था मैंने, अब शुरुआत करते हैं। पहला, हार्ट की ओरिजिन। दूसरा, पोजीशन। तीसरा, साइज। तीसरा, चौथा, कैविटी, हार्ट की वाल, नंबर ऑफ चैम्बर। इतने क्वेश्चन शुरू में बन जाते हैं, करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन बोलो, ह्यूमन सर्कुलर सिस्टम को हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कह रहे हैं, जिसमें मस्कुलर चैम्बर हार्ट है, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स और ब्लड। हार्ट की ओरिजिन मेसोडर्मल है, हार्ट थोरसिक कैविटी में सिचुएटेड है, दोनों लंग्स के बीच है और स्लाइटली लेफ्ट की ओर टिल्ट यानी तिरछा है। इसका साइज क्लेंचेड फिस्ट, बंद मुट्ठी की तरह है। हार्ट प्रोटेक्टेड है, डबल वाल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम से, जिसके अंदर फ्लूड भरा हुआ है। हमारे हार्ट में बेटा चार चैम्बर हैं, दो रिलेटिवली ऊपर वाले छोटे हैं, उन अपर चैम्बर को हम एट्रिया कहते हैं। दो नीचे वाले रिलेटिवली बड़े हैं, जिन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। एक थिन मस्कुलर वाल, जिसे हम इंटर आरिकुलर सेप्टम कहते हैं, जो राइट और लेफ्ट एट्रिया को बांटती है। यस। एक थिक वाल, यानी थिक है ना, यानी थिक है ना, एक थिक वाल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाती है, जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को बांटती है। राइट एट्रियम और वेंट्रिकल अपने अपने ओर के भी एक दूसरे से अलग रहते हैं। किसके द्वारा बोलो? थिक फाइब्रस टिश्यू का नाम बताओ, आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या होते हैं? ओपनिंग। ओपनिंग का नाम अपर्चर, दोनों है ना सेम साइड के। ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, गार्डेड बाय बोलो तीन फ्लैप्स, ट्राइकस्पिड वाल्व, जबकि बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होते हैं बिटवीन लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। मुझे लगता है बात समझ में आ गई, बड़ा इजी था। फिगर साथ मिला लो। ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें होती है? इनटू द बोलो। हाँ ठीक, ये दिखाइए, बनाई मैंने अलग से। जो मैंने अलग फिगर बनाई जरूर बनाना। देखो बेटा, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा, यहीं पर सेमिलुनर वाल्व है। ये जब कांटेक्ट होंगे ये दोनों खुल जाएंगे। ओके, क्लियर। पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड विद द बोलो सेमिलुनर वाल्व। द वाल्व इन द हार्ट अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड कितनी डायरेक्शन के? केवल एक, फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। दिस वाल्व प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो। एनी डाउट? अभी तक केवल स्ट्रक्चर बताया गया बस। अब आइए जो लिखा है फंक्शनल एस्पेक्ट, ये पैराग्राफ कह रहा है। इसका फिगर यहाँ है, बिल्कुल आराम से देखना बेटा।
राइट एट्रिया पर बेटा, राइट एट्रिया पर एक ऐसे नोड है ना, राइट अपर कॉर्नर पर, आर यू सी, राइट अपर कॉर्नर, थोड़ी दूरी पर राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर या ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड है, जिसे लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर सेप्टा के पास, मिल गया दो चीज, इन दोनों का आपस में कनेक्शन भी है, जिसे इंटर नोडल फाइबर्स कह सकते हैं, इंटर नोडल फाइबर। और की एनी डाउट, अभी तक हम लोग केवल राइट एट्रिया में है कि नहीं है, बाहर गए इससे नहीं जा पाए ना, नहीं ठीक। फिर क्या हुआ बेटा, राइट नहीं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड से हम एक बंडल पर आ गए, फाइबर का बंडल है, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर बंडल, ए वी बंडल, इसके नीचे ए वी नोड के नीचे एक बंडल है। चलो हम तुम्हें अलग से बना दें तो जल्दी याद हो जाएगा रफली, है ना ठीक। आओ बोलो, ऐसे नोड ए वी नोड इंटर ऑरिकुलर इंटर नोडल फाइबर ए वी बंडल, मिल गया वेंट्रिकल की सेप्टा पर आ गया, तुरंत दो भागों में बट गया, तुरंत बटा, आगे चलकर राइट में और लेफ्ट में चला गया, दो ब्रांच, फिर छोटे फाइबर पुरकिंजे फाइबर, ऐसे नोड ऑटो एक्साइटेबल है, इसको जगाने की जरूरत नहीं है, जगाने की जरूरत नहीं, सेल्फ, आपका दिमाग, आपकी नर्व्स, आपकी बॉडी में कोई चीज इसे जगाता नहीं है, आपकी बॉडी के नर्व्स और हार्मोन इसके काम को बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन एक शुरुआत स्वयं करती है, इसलिए अपने हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहते हैं, मस्कुलर जनरेशन ऑटो एक्साइटेबल, इस पे जाने वाला हार्मोन एड्रिनलिन गया बढ़ा दो, एस्टिलकोलिन गया घटा दो, सिंपैथेटिक न्यूरॉन आए बढ़ा दो, पैरासिम्पैथेटिक आए घटा दो, दो घटा बढ़ा तो सकते हैं लेकिन शुरुआत खुद करते हैं। ये ऐसे नोड बेटा कैसा है, ऑटो एक्साइटेबल, गति को बनाता है, पेस मेकर कहते हैं, एक दिन खराब हो गया तो उसका जिम्मा किसने संभाला, ए वी नोड ने, कि हम तुम्हारे भाई हैं, देखो परेशान ना हो, जब तक डॉक्टर साहब नहीं आ जाते भगवान दूसरे वाले धरती वाले तब तक हम काम करते रहेंगे, ए वी नोड चल रहा है, ऐसे नोड गड़बड़ हुआ, पेस मेकर गड़बड़ हुआ, डॉक्टर साहब ने तुरंत एक छोटा सा मंगाया चिप, चिप छोटी सी लगा दिया, एक्सटर्नली पेस मेकर से काम करने लगा, आप व्यवस्था कर लो अंदर की ओर ट्रांसप्लांट करने की, परमानेंट व्यवस्था कर लो, तो परमानेंट पेस मेकर इम्प्लांट कर दिया जाएगा, वो बात का मैटर, ये तो बढ़ती हुई साइंस है जो कि आपके साथ। तो ऐसे नोड का काम समझ में आ गया, खराब हो सकता है, यस, इसे कोई शुरुआत नहीं करेगा, है ना, ऑटो एक्साइटेबल है। अब आई बात यहां पर, तो पहले बेटा अब कॉन्ट्रेक्शन तो सुनना, जब ये एक्साइट हो जाएगा तो ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फिर ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसके बाद ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखिएगा, फिर लहर यहाँ आएगी, फिर बंडल में आएगी, फिर दोनों ब्रांच में आएगी, फिर पुरकिंजे फाइबर में आएगी,
वेंट्रिकल की दीवार में आएगी, अब वेंट्रिकल भी कॉन्टेक्ट होगा। तो पहले एट्रिया कॉन्टेक्ट, तो एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल में कितना ब्लड हो गया, 120, ये दिख रहा है, ये कॉन्टेक्ट हो गया, निचलो गया बिल्कुल, निचलो गया ना, ये फूल गया बिल्कुल। तो जब एट्रिया कॉन्टेक्ट में है तब वेंट्रिकल रिलैक्स है। एनी डाउट, कितनी देर के लिए रिलैक्स हुआ है, पॉइंट कितनी देर के लिए रिलैक्स हुआ है, 0.5 सेकेंड। अब कॉन्टेक्ट हुआ कितनी देर के लिए, 0.3। जब कॉन्टेक्ट होगा तब इनके बीच के वाल्व बंद हो जाएंगे और बगल वाले वाल्व खुल जाएंगे। ये 0.1 का कॉन्टेक्ट होता बेटा, और ये 0.7 का रिलैक्स होता है। एटिया का कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड, एटिया रिलैक्सेशन 0.7 सेकेंड, 0.8 हो गया। उसी दरमियान 0.3 0.5 0.8 हो गया। एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड का समय लगेगा, इसका भी 0.8 है 1.7, इसका भी 0.3 0.5। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन है कि हम आगे पीछे काम करेंगे, क्योंकि जरूरत है। ऐसा नहीं तुम पॉइंट वन हो जाओ तो हम भी पॉइंट वन रहेंगे, तुम 0.5 हो तो हम भी 0.5, ऐसा नहीं है। दोनों का टाइम अलग, लेकिन दोनों का 0.8 सेकंड में पूरा हो जाना है। एक कार्डियक साइकिल लगा समय 0.8, उस 0.8 में सुनना 0.1 का कॉन्ट्रक्शन, तब ये रिलैक्स हो रहा था। जब ये कॉन्ट्रेक्ट हो रहा था ना, तब आखिरी समय का रिलैक्स हुआ था, 0.5 हो गया इसका 0.5 वाला, लेकिन अभी टाइम कितना बीता, मात्र 0.1 सेकंड। जब ये कॉन्टेक्ट हुआ तो कितना समय बीता, 0.1 बीता बस, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही ना। और जब अपना 0.1 बीता रहा था तब इसका आखिरी का समय चल रहा था, 0.5 का आखिरी वाला, 0.7 से 0.8 समय वाला, ठीक। अब ये क्या होगा, रिलैक्स, रिलैक्स कितनी देर का, 0.7। तो पहले 0.1 का, फिर 0.2 का, 0.3 का, 0.4 का, 0.5 का, 0.6 का, 0.7 का, यस, नहीं समझे। लेकिन जब ये 0.1 का कॉन्टेक्ट हुआ था तब इसका 0.1 का रिलैक्स आखिरी वाला था, यस। अब इसका 0.3 का पहला, 0.3 का दूसरा, 0.3 का तीसरा, इसका अब कितना समय बीत गया, टोटल 0.4 हो गए। कैसे, नीचे तीन हो गए। इसका बेटा 0.1, इसका 0.1, इसका 0.2, नहीं 0.1 2 3, इसका 0.1 2 3, टोटल समय 4 बेटा, 4 सेकंड। बहुत टेक्निकल चीज है ये। एट्रिया 0.1 का कॉन्ट्रक्शन, वेंट्रिकल 0.1 का रिलैक्सेशन आखिरी समय वाला, 0.5 का आखिरी सेकेंड वाला, 0.5 का आखिरी समय वाला, एक ही लिख तो चलो, ठीक। अब इसका कॉन्ट्रक्शन, इसका रिलैक्सेशन, जब ये कॉन्टेक्ट हो रहा तब ये एक सेकेंड के लिए रिलैक्स, यस। जब ये कॉन्टेक्ट तब ये तो 0.4 हुआ ही नहीं, हो गया। इसमें क्या क्या हो चुका है, इसका कॉन्ट्रक्शन कंप्लीट, इसका भी कॉन्ट्रक्शन कंप्लीट, नहीं दोनों ने अपना खाना खा लिया और दोनों का सोने का समय आया। ये अपना 0.4 वाला, 0.5 वाला, 0.6 वाला, 0.7 वाला रिलैक्स हो, ये अपना 0.1 वाला, 0.2 वाला, 0.3 वाला, 0.4 वाला रिलैक्स हो,
और 0.5 का है रिलैक्स हुआ था आपसे ज्यादा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तभी आखिरी समय का रिलैक्स, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये प्रारंभ का रिलैक्स और ये दोनों रिलैक्स, इसे कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। यस या नो बोलो। वेंट्रिकुलर सिस्टोल दोनों का डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। अनुष्का थोड़ा सा टेंशन वाला है, परेशान नहीं होना, रटन देना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इसे समझ में किसी को नहीं आया, हमने तुम्हारा नाम लिया, किसी को नहीं आया। और जनरली जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा लोग बताते नहीं है, सीधे सीधे निपटा देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तब ये क्या कर रहा होगा, कौन का समय, आखिरी समय। कहते नहीं यार हम तो अभी पार्टी में आए हैं, हम तो जा रहे हैं, हम क्या करें भाई, हमारा समय हो गया ना, तो 3 घंटे से आए 5 घंटे से हम जा रहे हैं। इनका हम तो आ रहे हैं, इनका मेरा तो ये 4 घंटे बीत गया, आखिरी हम जा रहे हैं, करेक्ट। इनका हम आ रहे हैं, इनका मेरा समय आखिरी है, हम जा रहे हैं, ठीक। अब ये कहीं और चले गए, कितनी देर के लिए, 0.3 सेकंड के लिए, तब तक ये रिलैक्स हो रहे हैं। तो कितनी देर के लिए सबसे पहले कॉन्टेक्ट हुआ, 0.3 सेकंड और 0.4 सेकंड का ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक। अब आइए लहर कैसे गई पहले वो देख लो, फिर इसका फिगर बहुत अच्छा बनाया मैंने, बना होगा निश्चित रूप से। आइए ऐसे नोट दिख रहा है राइट अपर कॉर्नर पे, इंटरनोडल फाइबर दिख रहे हैं, एवी नोट दिख रहा है लेफ्ट एट्रिया के लेफ्ट लोमर है बोला, ये राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर, राइट एट्रिया के लेफ्ट लोअर कॉर्नर। इस चैम्बर की बातें हो रही है दोनों, इस चैम्बर में यहां, इस चैम्बर में वहां, ठीक। एवी बंडल दिखा, दो ब्रांच दिखी, प्रोकेंद्रिय फाइबर छोटे छोटे दिखे, माइन्यूट फाइबर है, थिक वॉल पे पहुंच गए, एपेक्स है, ये थिन ये थिक, ओके खत्म, यही यहां लिखा है, ऑटो एक्साइटेबल, काम खत्म। ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं, जो 1 मिनट में 72 बार एक्साइट करता है, 1 मिनट में 72 बार साइकिल होती है। 1 मिनट में कितनी बार ऐसे नोड एक्साइट होता है, 72 टाइम। 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होती हैं, 72 से 75 एक कार्डियक सेम लगा समय 0.8 सेकंड। बाकी डिवीजन कर लोगे, अब इसे पहले पढ़ लो फिर आगे बढ़ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, वॉल ऑफ वेंट्रिकल मच थिकर देन द एट्रिया, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कार्ड नोडल टिश्यू also distributed in the heart. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called SA node, sinoatrial node. Another mass of tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the septum called AV node. The bundle of nodal fiber, naam kya hai? एवी बंडल, कंटिन्यू होते हैं एवी नोड से, पास होते हैं सेप्टा से, एवी सेप्टा से, आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टा से, इमर्ज होते हैं टॉप ऑफ द इस सेप्टा से, वेंट्रिकुलर सेप्टा से, करेक्ट, टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, इमीडिएटली डिवाइड हो जाते हैं लेफ्ट और राइट बंडल। दिस बंडल गिव्स माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर
इन्हें क्या कहते हैं माइनर फाइबर को, पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक। देखा नोडल मस्कुलेचर में एबिलिटी होती है कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके, किसमें, एसए नोड में भी और एवी नोड में भी, दोनों में है। शुरुआत तो एसए नोड से होती है तो परफेक्ट है, काम करना बंद तो एवी नोड ने किया लेकिन थोड़ा कमजोर रहा। तो ध्यान से सुनना, नोडल मस्कुलेचर में दोनों में है बेटा एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल कम विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसलिए कहते हैं ऑटो एक्साइटेबल मायोजेनिक कहते हैं। नर्वस कंट्रोल नहीं है, नर्वस एक्साइटेबल नहीं है, न्यूरोजेनिक नहीं है, नर्वस सिस्टम से जनरेट नहीं हुआ, मस्कुलर से हुआ, इसलिए मायोजेनिक। हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक, लिख लेना कहीं। हाउ एवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन ए मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम, यानी ऐसे नोड में 72 है तो एवी नोड में थोड़ा कम है। ऐसे नोड और एवी नोड दोनों ही एक्साइटमेंट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा किसका है, ऐसे नोड जो हमारे लिए जरूरी है। वेरी एट डिफरेंट पार्ट, ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल नंबर 70 से 72 पर मिनट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेसमेकर, गति को बनाने वाला। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 से 75 लगभग 72 बार, 0.8 का कार्डियक साइकिल होगा जो ये आया। क्लियर, बहुत सरल है, हमें नहीं लगता कि कहीं कोई कठिनाई होती आप लोगों को। आइए, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कौन बंद होगा, कौन खुलेगा, वही तो कार्डियक साइकिल है। तो फिगर के थ्रू मैंने सब समझाया, यहाँ पर आप लोग बनाइएगा जरूर इस फिगर को, और ये पढ़ा चुके हैं, अब इस समय केवल बोलना बोलना है। देखो ज्वाइंट डायस्टोल कितने समय का है, ये भी रिलैक्स है, उस समय हो क्या रहा है, ये दोनों बाहर से ब्लड ले रहे हैं, ये पल्मोनरी वेन से और ये वेना केवल, यहाँ ऑक्सीजनेटेड यहाँ दिया और इनका ब्लड इसमें भी आ रहा है, यानी चारों चैम्बर स्वतंत्र हैं, ये बाहर से ले रहे हैं अंदर से, करेक्ट। अच्छा अब शुरू होगा एट्रियल सिस्टोल, ये कॉन्ट्रैक्ट छोटे हो गए ना, कितनी देर के लिए 0.8 सेकंड का कॉन्ट्रक्शन हुआ, इसके कॉन्ट्रक्शन देखो इसमें ब्लड पहले से भर रहा था, इसके कॉन्ट्रक्शन 30% और आया 0.8 सेकंड में, नहीं वेंट्रिकल को जितना ब्लड चाहिए उसका, वेंट्रिकल में जितना ब्लड है या चाहिए उसका 70% पहले आ गया था रिलैक्सेशन समय, और 30% अब आया, अब वेंट्रिकल फुल फुल हो गया। तो कहते हैं एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 30% ब्लड दे देता है वेंट्रिकल को, 30 कैसे निकाला, 70 पहले आ गया होगा। तो जब दोनों खुले थे बेटा तब यहां से यहां कितना आ गया था, 70 पहले से आ चुका होगा, 30 अब आया, अब वेंट्रिकल में पूरा हो गया 120 ml, वेंट्रिकल में कितना आ सकता है 120 ml, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन पर कितना आया 30%, समझ में आया, वेंट्रिकल में कितना आ सकता है, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन कितना आया 30%, और 30 वाला याद करना क्योंकि बाकी कुछ दिया ही नहीं इन्होंने, 120 ml तो हम बोल रहे हैं इन्होंने नहीं दिया है, 70 ml दिया है बस स्टोक वालू, उसी से निकाला जाता है तो हम बता रहे हैं आपको। अच्छा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना हो गया 120, किसका ये इसमें 30 किससे आया, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट से, बाकी पहले आया है, एनी डाउट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तब ये 0.3 चलेगा ना, ये सॉरी ये आओ ये करेगा तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तीन ही फेज है बस, कितनी देर के लिए
ठीक, अब ये किसमें चला जाएगा? डायस्टोल बेटा। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल 3 सेकंड का होगा तभी डायस्टोल भी 3 सेकंड का चल रहा होगा, पहले 3 सेकंड के। भाई ये खत्म हो चुका ना, पहला दूसरा तीसरा, इसका पहला दूसरा तीसरा, बोलो ये खत्म हो गया, ये आखिरी था। अब बोलो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, अब दो कितना समय होगा, 0.4 हो गया। अब ये दोनों जाएंगे ऐसे, तो अब हम क्या बता रहे हैं, इनका 0.3, इसका 0.3। आओ एट्रियल डायस्टोल पर पहले ये बंद हो जाएंगे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड फर्स्ट साउंड आके, फिर ये आर्च के यार से बेटा पल्मोनरी आर्च वाल्व खुल जाएंगे, स्ट्रोक वाल्व 70 ml चला जाएगा। बोलो भाई वेंट्रिकल में कितना बचेगा, एंड सिस्टोलिक 50 ml बचा। इस फिगर बहुत बढ़िया बना हुआ, पूरी थ्योरी को लाइन टू लाइन ऐसे बता रहा है, तीनों फिगर में एक बार फिर से देखो। या हाँ पढ़ो कार्डियक साइकिल पढ़ो, अच्छा सा समझ में आएगा बेटा। आओ मेरी भी लाख स्ट्रोक वॉल्यूम, हाँ भाई 70 ml कब जाएगा, जब नीचे कांटेक्ट होगा तभी तो जाएगा। हाउ डज द हार्ट फंक्शन ये बताया गया, लेट अस टेक अ लुक टू बिगिन विद, ऑल द 4 chambers ऑफ द हार्ट आर इन, बोलो रिलैक्स, यहां से शुरू करते हैं। तो मैंने वही बताया जहां से शुरू किया हमने, उनसे बता दिया किताब के अकॉर्डिंग सब लिखा है, ठीक। दे आर इन द बोलो ज्वाइंट डायस्टोल बेटा, चारों चैम्बर हैं तो ज्वाइंट डायस्टोल, ओके। एज द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन, खुलेंगे नहीं खुलेंगे, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में आ रहे हैं, लेकिन थ्रू एट्रिया, बोलो वेना केवा का और पल्मोनरी वेन का ब्लड राइट और लेफ्ट एट्रिया के थ्रू वेंट्रिकल में आ रहे हैं, करेक्ट। द सेमिलुनर वाल्व आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज, ऐसे नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, अब शुरू होगा। अब दूसरा फिगर शुरू बेटा, ये मैंने बॉक्स माउंट कर दिया पहला फिगर, दूसरा फिगर शुरू, ऐसे नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच इज स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कंट्रक्शन, क्या कहेंगे एट्रियल सिस्टोल कितनी देर के लिए, 0.1 सेकेंड इंक्रीज करेगा फ्लो ब्लड का एट्रिया से वेंट्रिकल में कितने परसेंट, अबाउट 30%। अब एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाई एवी नोड एवी बंडल वेयर बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिटेड थ्रू द बंडल ऑफ हिज, कहते हैं सबको ब्रांच और पुरगिन्द्र भाग में मिला करके, बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिटेड थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, दिस कॉज द वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्टेक्ट, तीसरा फिगर आ गया बेटा, वेंट्रिकुलर मसल कॉन्टेक्ट होंगे बेटा, दिस कॉज वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्टेक्ट कैंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर के लिए, 0.3 सेकेंड। इस समय एट्री अंडर गो रिलैक्सेशन है ना, कोइंसिडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो एट्रिया डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज करेगा वेंट्रिकुलर प्रेशर बंद हो जाएंगे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल, ठीक, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रियम, एज वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा फर्दर कौन से वाल्व खुल जाएंगे बेटा, सेमी लूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे जो कहाँ प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी और
एओर्टा में, तब ब्लड अलाउ होगा वेंट्रिकल से इन वेसल में जाने के लिए सर्कुलेटरी पाथ में, द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स होंगे, खत्म हो गया वो पॉइंट, सेमी लूनर खुल गए, अब ब्लड चला गया, कितना चला गया 70 ml बेटा, चला गया ना 70 ml। अब क्या होगा, फिर से वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, जब रिलैक्स हुआ तो कितना बचा ब्लड वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, वेंट्रिकुलर नहीं रिलैक्स हुआ, बचा कितना 50 ml। इसे क्या कहेंगे एंड सिस्टोलिक वाल्व, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल हो जाएगा, अब सेमिलर वाल्व बंद हो जाएंगे, इससे बैक फ्लो अब नहीं होगा, वेंट्रिकल में नहीं आएगा, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन हो जाएगा, फर्दर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन हो जाएंगे, फिर से वही पहला फिगर आ जाएगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन बाय प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हिच वाज बीइंग इम्पिटेड इनटू देम बाय वेन्स। किसमें भर चुका था ब्लड, एट्रिया में, कितनी देर में भरा था 0.3 सेकेंड में, अब फिर से ज्वाइंट फ्लो ज्वाइंट डिस्ट्रोफी आ जाएगा, द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल, फिर से आने का मतलब नई कार्डियक साइकिल शुरू, द वेंट्रिकल एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स ज्वाइंट डिस्ट्रोफी, सून द एसए नोड जनरेट न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड द इवेंट डिस्क्राइब अबव रिपीटेड इन द सेम टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल, बोलो बेटा सिस्टोल का 0.1, सिस्टोल ऑफ एट्रिया का सिस्टोल 0.1, डायस्टोल 0.7, वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3, डायस्टोल 0.5, ज्वाइंट डायस्टोल 0.4, वॉल्यूम ऑफ हर्ट 3 बताए थे हमने, पहला पढ़ो, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये 120, स्ट्रोक वॉल्यूम 70, बचा हुआ ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया, किताब सॉल्व कर लेना, हम बताएंगे नहीं। कार्डियक आउटपुट कितना हुआ बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बच्चों 70, हार्टबीट रेट कितना है 72, दोनों मल्टीप्लाई करके कार्डियक आउटपुट निकल आएगा, लगभग 5 लीटर 5400 ml है, एवरेज 5 लीटर ब्लड पर मिनट निकलता, उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अंजलि एक बार कितना ब्लड निकला 70 ml, तो 72 बार में मल्टीप्लाई कर दिया, एक मिनट में निकलने वाले को कार्डियक आउटपुट कहते हैं और एक बार निकलने वाले को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, कुछ समझे क्या, एक बार में जो ब्लड निकलता उसे, एक बार में जो ब्लड निकलता उसे और एक मिनट में कार्डियक आउटपुट एवरेज 5 लीटर करेक्ट। हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड लव वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साउंड कहलाता है, सिस्टोल हुआ था तभी तो बंद हुआ था बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, फर्स्ट हार्ट साउंड लव कौन सी कहलाती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साउंड कहलाती है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद होने के कारण, दूसरी हार्ट साउंड डब वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक साउंड, ये सेमी लूनर के बंद होने पर, ध्यान रखना सुन खुलने पर कोई वॉल्यूम सब नहीं, बंद होने पर ही दरवाजा भड़ाम से बंद होता है, भड़ाम से तभी आवाज आती, खुलते समय नहीं आती, क्लियर हो गया, तो इसकी भी रीडिंग कर लीजिए एक बार, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। क्या पढ़ा आपने, दिस सिक्वेंशनल इवेंट इन द हार्ट व्हिच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल,
एंड इट कंसिस्ट ऑफ बोलो सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द आर्टरी एंड वेंट्रिकल. एज मेंशन अर्लियर द हार्ट बीट बोलो 72 टाइम्स पर मिनट. That is many cardiac cycles are performed per minute. From this it could be deduced that duration of cardiac cycle कितना निकला 0.8 second. During cardiac cycle क्या हुआ, each ventricle pump करता लगभग 70 ml blood. क्या कहलाता है stroke volume को multiply करें heart beat rate से क्या निकलेगा therefore cardiac output कितना हो जाएगा बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम को बदल सकती है. कब बदलेगी, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओ देखो बढ़ जाएगी. तुम आपको सॉरी करना एथलीट्स में बढ़ी होती है. हमारी 72 टाइम मतलब सबसे 70 मिल दे रहे हैं, दौड़ के भी निकल जाओ 1 किलोमीटर दौड़ो 100 मीटर दौड़ो शायद 80 ml हो जाए 90 ml हो जाए. ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया उसको. अगर कार्डियक आउटपुट इतना हो जाए, हार्ट बीट इतना हो तो ये कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन. अब साउंड है बेटा, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल दो प्रोमिनेंट साउंड आते हैं, स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है. फर्स्ट हर्ट साउंड को हम लव कहते हैं, जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के क्लोजर से एसोसिएटेड है. सेकेंड हर्ट साउंड को डब कहते हैं, जो सेमी लिनियर वाल्व के क्लोजर से एसोसिएटेड है. इस प्रकार से हम कार्डियक साउंड को क्लिनिकल डायग्नोस्टिक भी मान सकते हैं और इससे हम पता कर लेते हैं क्या चल रहा है भाई. कहाँ आ गए ईसीजी, आओ ये ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यहाँ थोड़ा सा उल्टा है. मशीन को ग्राफ कहते हैं और जो ग्राफ मिलता है उसे ग्राम कहते हैं. क्यों कहते हैं अब इसका पता लगाएं, काहे को लगाएं जो लिखा याद करो. जो ग्राफ मिला है ये हमें वो एक्चुअली ग्राम है और जो मशीन से निकाला गया उसे ग्राफ है. तो मशीन का नाम ग्राफ है और ग्राफ का नाम ग्राम है. सब उल्टा है, उल्टी गंगा बह रही है, कोई मतलब नहीं. चलिए तीन विशेष पॉइंट्स हैं बेटा और तीन पॉइंट्स ये हैं. एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. सुनना, डीपोलराइजेशन किसे कहते हैं, पहला पॉइंट तो ये. एग्जाम्पल बताते हैं, ये जैसे लिखी हुई नर्व में बताया है, एक सामान्य अवस्था में बाहर ईसीएफ है बेटा, अंदर आईसीएफ में नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव, इसे पोलराइज स्टेज कहा जाता है. रेस्ट पर ऐसा होता है, जब इसे एक्साइट किया जाता है तो बाहर से सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं, अंदर पॉजिटिव हो जाता है बाहर नेगेटिव हो जाता है, इसे डीपोलराइज स्टेट कहते हैं. लेकिन यहाँ पर एक्शन शुरू हो गया, ये देखो ये करंट अभी रेस्ट पर है, करंट वही, दैट इज द डीपोलराइजेशन. ये कैसी स्टेज पे होगी, करंट एक्शन पोटेंशियल कह देते हैं इसको. टच किया करंट बहना से, बस इतना ही सा है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एट्रिया डीपोलाइज हुआ था, फिर वेंट्रिकल डीपोलाइज हुआ था, फिर पॉइंट सेकंड रिपोलाइज हुआ था, जब ये रिपोलाइज था तब ये भी तो था,
इन दोनों को इसको नहीं लिखा, इसी के रिप्लेशन उसको मान लिया जाएगा, एनी डाउट। ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिपोलाइजेशन, डिपोलाइजेशन वापस नॉर्मल कंडीशन का ना, रिपोलाइजेशन पोलाइजेशन मत बोलना, तीन स्टेज है बस। मतलब जो ईसीजी में तीन बातें आती है, शुरुआत हुई ऑटो एक्साइटेबल डीपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया 0.1 सेकेंड, डीपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड, रीपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और वही सभी ये भी हो रहा उसी समय, दैट इज जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड। तो तीन स्टेज पढ़ रही हूँ, और उस पर क्या इमेज आती है फिजिक्स वाले जाने पर, एक ग्राफ तो फिजिक्स वाले बनाते हैं, बायोलॉजी में ग्राफ थोड़ी बनता है। बोलो भाई, और हकीकत है जिन्होंने भी डेवलप किया है वो महान लोग तो हैं ही हैं। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक अभी भी अपने लेक्चर यूट्यूब पे डालते हैं, आप देखो लगता है ये ऐसा दिखा रहे हैं, मतलब फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं, ये पेंडुलम घूम रहा है, हमारे यहाँ सर हैं उन्होंने दिखाया कैंसर ऐसे ही है ये लोग, इन लोगों को इनके दिमाग को अब क्या समझते हैं। और उन्होंने पेंडुलम को घूमता दिखाया, पहले एक छोटा सा, फिर बड़ा सा, फिर फुल लटक गए, फिर मास पर डिपेंड नहीं करता कुछ ऐसा पॉइंट है, जो भी हो नहीं पता मुझे, ठीक घूम गए ऐसे लटक गए ऐसे रस्सी पर, पैर सीधे कर लिए ऐसे घूम रहे थे नाव पे चल रहे। और ड्यूरिंग दैट टाइम पता नहीं कौन सा साइड में उसमें ग्राफ बन रहा था, मतलब टाइम कितना जा रहा ग्राफ कैसा आ रहा है, एक्सपेरिमेंट बच्चों को सीधे दिखा रहे हैं। सब आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में होता है, लेकिन इंडिया में तो भी संभव नहीं, तो हम लोग करते नहीं काम है। मानसिकता कैसी आपकी, मतलब बहुत खराब लगता मुझे काम करने के लिए। हम सब अपनी आवश्यकताओं के लिए मर जा रहे हैं, बस मुझे ये मिल जाए, मेरे लिए ये हो जाए, सब की बात हो, एक की बात नहीं। आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं करते, फालतू वाली चीजें हम लोग देख ही देखा करते जाता है एक दूसरे। इक्वलिटी जहां जिस देश में होगी सब एक समान, शिक्षा दो, इलाज दो, शिक्षा में जो बेहतर हो, खेल में जो बेहतर हो किनारे ले आओ, बेहतर पढ़ सकते हो बेहतर करो, आप साइकिल नहीं रख सकते अपने, आपको कपड़े दिए जाते हैं आर्मी की तरह शासन हो, इससे तक नहीं हो सकता आपके पास कुछ। देखो कितना डेवलपमेंट हो गया देश आपका, कहीं का कहीं दुनिया में सबसे आगे हो गए आप। कि नहीं मेरे पास ये वाली गाड़ी तो अब ये वाली लेंगे, अब ये वाली लेंगे, अब ये बहुत, आप इसे डेवलपमेंट कहते हो, ये मतलब बर्स्ट देश हो जाता है इससे। कितनी एनर्जी आपने अपनी गाड़ी खरीदने में लगा दिया बताओ, फिर हम अपना मकान बनवाएंगे पूरे जीवन हम किस्त देते रहते, नौकरी छूट के परेशान कितना होता है। गवर्नमेंट एक मकान बना नहीं दे सकती क्या, इतने बड़े मकान को लेकर के हम क्या कर रहे हैं, चार डालने चार लोग हैं, बताइए आप। गवर्नमेंट ने बनाया होता तो कितना बनाया होता है, 10 लोग रह ले होते आराम से, खाने ही तो चाहिए। फिर मेरे कैलिबर को देखिए आप, हमसे वर्क लीजिए 8 घंटे का, मुझे फ्री कर दीजिए। फिर ये सोच ना थी ना बन पा रहे, लेकिन आइसोलेट होना पड़ेगा इसको, एक स्टेट को किनारे करना पड़ेगा। वो लोग जो इस समय हमारे यहाँ पूरब में बहुत से प्रदेश हैं, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे लोग जो बिल्कुल खाली हैं इस समय, उनके उनके दिमाग ज़्यादा फितूर नहीं है कुछ भी, उनको लीजिए। जंगलों में जो लोग रह रहे हैं, नक्सलवादी जिन्हें आप कहते हैं, इंटरनल टेररिस्ट कहते हैं इनको लोग, नक्सलवादी को, जो सरकार का हमेशा विरोध करते हैं, सरकारी गाड़ियों के वाहन को जला देते हैं, आग लगाते हैं, बम से, उन पर आप काम कीजिए, इकट्ठा कीजिए, पढ़ाइए और देखिए
फिर उसके बाद उनको वो मॉडल दिखाई है, ये 40 साल का सिस्टम है, एक साल का नहीं है, उनके बच्चे पैदा हुए अभी ले लिया और तब वो 10-20 साल बाद पढ़ के आएंगे, फिर अगले 30-10 साल वो अभी प्रोग्रेस दिखाएंगे। तुम्हें तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपनी इसी धरती में ही करना। देखो ये रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, ये रोड मैप तैयार किया था चाइना ने आज से 40 साल पहले 45, उसने 25 साल तक 24 साल तक ओलंपिक नहीं खेला था, बिल्कुल अलग प्रकार का उसने, मतलब जिसे कहते हैं ना जनता पर थोपना, सरकार ने थोप दिया, नहीं मैं ये जो कर रहा हूं सही है। उस समय समझ लो कि विरोध करने वाले लोग टैंकर के सामने आ गए थे, इन सरकार ने कहा उड़ा दो इसे, मार दो, एक मर जाएगा सही रहेगा। ये दुश्मन होते ना, पांच होते हैं, 5,000 को बरगला देते हैं देश के विरोध में, आप सोच नहीं सकते, मार दो एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मर जाएगा 500 शांत हो जाएंगे, सब मेरे साथ काम करेंगे। वो किया उसने आज से 40 साल पहले। ये है अगर आपके देश को आगे जाना है तो, उसने किया 40 साल पहले, आज देखो आर्थिक समृद्धि उसके पास है। विरोध तो हर जगह होगा यार, शिक्षा दिया, रहने की जगह दिया, खाना पीना, डेढ़ साल खत्म करो ना, और क्या चाहिए तुमको दिन भर, 5 घंटे फुटबॉल खेलो, है ना गेम सारे, नहीं बैडमिंटन कहाँ का, अरे हजारों बैडमिंटन पड़े यार, तोड़ो तो खेलो तो, जब तुम्हारे पास मिलेंगे ना तो बैडमिंटन है, हम बैडमिंटन खेलेंगे, शटल है हमारे पास, हम यहाँ शटल खोजते हैं, 5 रुपये इकट्ठा करते हैं, क्यों? वो चीज माहौल देते, गवर्नमेंट कर सकती है, मेरे पास थोड़ी पैसा कि हम दे सकते हैं, आइसोलेट करके कर दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में दिमाग केवल आप ही का बिक रहा, ध्यान रखना हिंदुस्तानी दिमाग बिक रहा है बस, और किसी के नहीं बिक रहा है, दुनिया में ही नहीं के दिमाग, हम पढ़ाते हैं IT पढ़ाते हैं बेटा, निकाल देते हैं जब उनको करोड़ों रुपए का, एक IT बनने में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा लगता है गवर्नमेंट का, 5 साल में बच्चे निकालते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा पैसा लगता है, इक्विटी बिल्डिंग है, पेमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अब आप विदेश चले जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, क्यों जा रहे हैं, रोक दीजिए, नहीं जाएगा कोई, IT करो चाहे ना करो, तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम आपको सुविधा देंगे, ये करो ये करो ये करो, ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें हैं, अभी विदेश जाना रोक द्वारे, आपने बाहर को जाना, हमारे यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, हम विदेश में पढ़ने पे पैसा दे रहे, अरे भाई पढ़ाओ अपने यहाँ यार, विदेशी 5 टीचर को ले आओ ना, अगर वो अच्छे टीचर है तो, वहाँ की बिल्डिंग अच्छी है, वहाँ टीचर अच्छे ही बता दो, वहाँ बिल्डिंग अच्छी है, वहाँ इंस्ट्रूमेंट अच्छे ही बता दो, अरे उनको ले आओ पढ़वाओ अपने यहाँ सबको, दो को क्यों बेचते हो उसके पैसे, गवर्नमेंट कहती है 500 लोगों को वजीफा दिया और स्कॉलरशिप दिया, भेजा पढ़ने के लिए, अरे भाई उतने पैसे में 5 टीचर को बुला लूँगा, 500 लोगों को नहीं 5,000 लोगों को पढ़वा लूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है पॉलिसीज गड़बड़, सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सच है, व्यक्तिगत 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 केवल व्यक्तिगत, हमारे पास बुद्धि थोड़ी कम है, सही बात कम है, अंजलि के लिए हाँ सब बात तो सही है, यही फैशन है बाहर जाने का, बाहर जा तो रहे हैं, माँ बाप घर में पड़े हैं, बुढ़े हो गए तो पड़ोसियों के कंधों पर शमशान घाट जा रहे हैं, बेटा अमेरिका बैठा हुआ है, ये जीवन है तो जियो, ऐसे इमोशंस रह जाएंगे, व्यापार हो गया है तो दो रोटी यहां भी मिल जाएगी, ये मत देखो पड़ोसी क्या कह रहा है, अरे मजदूरी करके करेंगे यही करेंगे, नहीं यार मैं तो बहुत बढ़िया लाइफ जीऊंगा अमेरिका जा रहा हूँ, जाओ यहीं पे तमाम से देखो, वही कह रही है हम अमेरिका जाएंगे, पढ़ लिख करके अमेरिका जाएंगे, क्यों गा रही है, विदेश जाएगी देखो ये,
क्या बात है। एक हमारे मिलने वाले हैं तिवारी जी, उनकी बिटिया ने यहाँ पर राजस्थान में कौन सा वन स्थली से बीटेक किया, कोरोना काल में नौकरी लग गई आईटी सेक्टर में पुणे में, कोरोना से पहले पुणे में सर्विस किया उसने ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन में घर आ गई, घर से काम कर रही है। उस कंपनी ने कहा आजीवन तुम हमारे यहाँ काम करो, इसी कंपनी में हम तुम्हें विदेश भी भेज देंगे लेकिन हमारे साथ काम करो। उसने कहा हम विदेश तो कत्ते ही नहीं जाने वाले, इतना पैसा बहुत है, हम घर में रहेंगे। एक रिश्ता आया उसका कि वो यहाँ है, लड़का भी विदेश में चले जाएंगे, वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। कहें हमें ना करना ऐसा रिश्ता, हम देश में रहेंगे, बहुत इतना पैसा। तो आपके अंदर सोच होनी चाहिए ना, कहीं डेवलप करो, कोई तो डेवलप करेगा, कोई तो सोचेगा। दो रोटी मिलेगी यार, किससे मिलोगे यार विदेशी धरती पर? हफ्ते में एक गेट उधर होगा, 30 किलोमीटर दूर वो रहता है, फलाना वहां रहता है। कहाँ के हो? इन पांडिचेरी। अच्छा देश के हो? कहाँ यूपी के? अच्छा प्रदेश के हो? अच्छा लगेगा। कहाँ के हो? कानपुर के? अरे शहर के हो? कहाँ साकेत? अरे पड़ोसी हो यार तुम तो यही तो बोलोगे वहां पर। कितने दिनों बाद मिलोगे? दिन भर अपनों से मिल पाओगे क्या? बहुत सी चीजें मुझे तो कभी बात हो सकता है, इसीलिए मैं यहां रह गया। मैं प्रेजेंट टाइम में अभी ऐसी बहुत सी हैं, इंस्टीट्यूट हैं, नाम तो जानते हो तमाम लोग, मैं अगर एप्लीकेशन दे दूं ना, मैं पैसा भर दूं, शहर छोड़ना पड़ेगा बस हमें। हम वो भी नहीं छोड़ सकते, इतनी ज्यादा बीमारी हमारे अंदर है, होम सिकनेस, हम नहीं जाएंगे। इतना पैसा दे दें, एक आध दो मित्र गए हैं, कहने तुम आ तो जाओ यहाँ पर, हम लोग तो कुछ नहीं है, तब हम लोग इतना पैसा निकाल लें। हमने हम लग जाएंगे, हम 25 बच्चे पढ़ा लेंगे, वो ठीक है। करना क्या है? 10 साल का जीवन और है, अरे बच्चों जो करना हो करें, हमसे क्या मतलब है? हमने अपना कर लिया सर, 10 पैसे का कर्ज नहीं पिछले 10 सालों से, मस्त है। गाड़ी ले लो, काहे ले लें भैया, चलने के लिए चाहिए चल रही है, कि नहीं 10 साल पुरानी हो गई बनी रहने दो। पैसा किसको देंगे? कंपनी वालों को, कहीं बेच दो 4 लाख की, 3 लाख की बेच दिया हमने, 8 लाख की लोन ले लिया, अब टेंशन आ गया लोन भरना, गाड़ी में बैठना ही तो है नहीं, पड़ोसी की आई गाड़ी, हम भाई काम क्यों ले रहे भाई, पड़ोसी आई आने तो थोड़ा ही सा आदमी, हम तो नहीं सोचते ऐसा। जब फ्री होंगे, हाँ जेब में 20 लाख होंगे तो हम ले लेंगे गाड़ी भैया 20 लाख वाली। मैंने पहली गाड़ी जेब के पूरे पैसे से, दूसरी गाड़ी पूरे पैसे से, तीसरी गाड़ी पूरे पैसे से, दिखाने के लिए तो 1-2 लाख लेने ही पड़ता था, लोन चलो ले लिया, मकान पूरे पैसे से लिया। जब पूरा जेब में पैसा होता तब खरीदता। स्वतंत्र रहते हैं, निश्चिंत रहते, मकान बनवा दिए अपने भाइयों के, स्कूल बनवा दी अपने गांव में, दो दो मस्त है। ये होना चाहिए, लेकिन लाखों में एक लोग होते हैं, एक आध लोग होते हैं ऐसे, बस सब थोड़ी मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। क्यों अंजलि ना, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब पैसा कमाओ, बाहर मत जाओ। अरे इंडिया में चलो, दिल्ली चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, रहो जाकर, तो अच्छी वैसी लाइफ देनी है तो मिलती नहीं क्या वहां? चार लोगों को प्रेरित भी करो ना, इंड्यूस भी करो, उनको बताओ भी ऐसी चीजें, ऐसी चीजें कर सकते हो। इनके मम्मी पापा ने दोनों लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, यही तो है, भरते तो फॉर्म चले जाते विदेश, एक ही सब चले जाएंगे यार। हम के इंडिया जितने डॉक्टर सब विदेशों में जगह पड़ी है, सब चले जाओ कहीं ना कहीं किसी देश में चले जाओ। जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, यहाँ भी तो रहना है। चलो अच्छा थोड़ा और पढ़ा दे।
तीन स्टेज थी और तीन हैं बस। तो देखो बेटा यहां सुनना, यहां बता रहा हूं, पी वेव दिख रही है देखो ऐसे, ये पी वेव है, तो सीधा चला गया, क्यू आर एस है ये, टी पी वेव कब आएगी, एट्रियल डीपोलाइज कहां होगा, ऐसे नोड पर यहां, इसमें ऐसी स्टेज आएगी, ऐसी इससे ये बस। तो पी वेव रिप्रेजेंट, बोलो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन कहां पर, एट्रिया में, विच लीड टू द कंट्रक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, ये तो है। तो जो ग्राफ बनेगा वो पी आ जाएगा, क्यू आर एस डिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल विच इनिशिएट द वेंट्रिकल कंट्रक्शन, द कंट्रक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। टी वेव रिप्रेजेंट रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल रिपोलाइजेशन, ठीक। एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, टी वेव का ये एंड है, यहाँ वेंट्रिकल सिस्टोल का एंड हो गया है, एंड ऑफ सिस्टोल। अब यहां से यहां चलेगी, दिस इज ज्वाइंट डायस्टोल, अब यहां ज्वाइंट डायस्टोल चलेगा, नहीं नहीं कहां से देगा, अच्छा ये रिपोलाइजेशन है, उसके बाद यहां से नया से देगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर पॉइंट पढ़ लो बस, यहां से ये ईसीजी पढ़ने से में क्या ध्यान देना है, अरे खाली ये साइकिल को ध्यान देना, एट्रियल सिस्टोल मींस एट्रियल कॉन्ट्रक्शन मींस एट्रियल एक्शन मींस एट्रियल डिप्लाइशन मींस पी वेव, ये समझाए कि कैसे आपको समझो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मींस कॉन्ट्रक्शन मींस वेंट्रिकुलर एक्शन मींस वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन मींस क्यू आर एस, ये खरी याद बेटा। ईसीजी में तीन लीड होती है, दो लीड को दोनों आर्म बांध देते हैं यहां और यहां लगा देते हैं, तीसरी लेफ्ट एंकिल पे लगा देते हैं, लेफ्ट एंकिल पर दोनों आर्म पर ये ट्रायंगल बन जाता है नीला वाला, इन्फोवेंड खोजा थे इन्फोवेंड ट्रायंगल भी कहते, ठीक खत्म हो गया। आओ थोड़ा सा ऊपर ध्यान दो जरा सा, ईसीजी जितना लिखा हो तुम्हें पढ़ो, इसे ए बी सी डी ऊपर और नीचे हमने बहुत पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया, हाँ बहुत पढ़ा, पेपर आपको दिखाते हैं, इतने पेपर हमने पढ़े पहले बताते भी थे लेकिन सब भूल जाना होता, डॉक्टर ही समझ सकते हैं जो बहुत वर्क करते हैं। देखो यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द सीन फ्रॉम टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन, में आप देखते होंगे अ पेशेंट इज हुक्ड अप ए मॉनिटर मशीन से लगा हुआ है, दैट सो वोल्टेज स्ट्रेस दिखता है ऑन स्क्रीन एंड मेक्स द साउंड पिप पिप पाने के, तो निपट गया बोलते हैं, पेशेंट गोस्ट इन टू द कार्डियक अरेस्ट, तुरंत अटेंडेंट दौड़ के जाता है किसके पास, डॉक्टर के पास, डर से देखो क्या है, उमर से आकर छाती दो तीन घूसा मारती है, फिर कहती अब नहीं बचेगी, डायरेक्टर भी डिपेंड करता है बचाएगा कि वो नहीं बचाएगा, हाँ फिर भगवान की शक्ति आती है। दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, मशीन इज यूज टू मेंटेन ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो ग्राफ है, ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ये जल्दी ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, बोलो ग्राफिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का कार्डियक साइकिल। ईसीजी पाने के लिए पेशेंट को कनेक्ट करते हैं मशीन से तीन इलेक्ट्रिकल लीड के द्वारा, ठीक, दोनों रिस्ट पर एक एक, एक लेफ्ट एंकिल पर, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं हार्ट एक्टिविटी, अगर हमें डिटेल इवेल्यूशन करना है तो फिर एक दर्जन
लीड लगा देते हैं बेटा, मल्टीपल लीड लगा देते हैं चेस्ट रीजन में, 1 2 3 4 5 6 7 8। हियर वी विल टेक टॉक अबाउट देयर स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में। स्टैंडर्ड ईसीजी तीन लीड होती है बस। स्टैंडर्ड ईसीजी में बेटा तीन, ईच पीक इन ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर फ्रॉम पी टू टी। पी से टी तक एक कार्डियक साइकिल बन गया। ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर फ्रॉम पी टू टी। ये तीनों बातें बता दी। ऑब्वियसली एंड ऑफ द टी वेव मार द नहीं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस, क्यूआरएस काउंट कर लो, नंबर ऑफ हार्ट बीट पता हो जाएंगे। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट ऑकर इन ए गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट हुआ। सिंस द ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप, सभी में लगभग सेम आता है बेटा, लेकिन अगर कोई भी डेविएशन हो जाए इसका मतलब उसमें एबनॉर्मेलिटी है। कोई भी डेविएशन हो जाए तो इसका मतलब उसमें एबनॉर्मेलिटी पाई जा रही है। दो पेज कल बता दें, दो पेज है ना, कल रिवीजन भी तीनों का और थोड़ा सा बताएंगे। सर्विस सिस्टम हो जाएगा, तीन चैप्टर हैं, टेस्ट में आ रहे हैं आपको। संडे को 4 तारीख को है, परसों आराम से दो भैया पढ़ करके मन लगा करके ये प्रॉब्लम।